के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी ने कहा, जनपद में भी लागू हो गया है आदर्श आचार संहिता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का करे पालन, जिससे सकुशल सम्पन्न हो सके लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जीडीए वीसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के दिए निर्देश। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चौराहों और सड़कों पर से हटाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर हो रही है कार्रवाई। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी नाथ ने कहा, प्रेमी ने ही की थी अपने प्रेमिका की हत्या। यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकाई की त्रिवार्षिक परिषद का हुआ संपन्न। अध्यक्ष देवाशीष घोष द्वारा बैंकिंग उद्योग संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दिया गया जोर। जटाशंकर गुरुद्वारे में कीर्तन और कवि दरबार के साथ मनाया गया जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 550वां नानक संपदा साझा। सिंचाई एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने किया शिरकत। विधि नैतिकता और समकालीन समाज विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा, विधि और नैतिकता एक दूसरे के हैं पूरक, विपरीत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय बैठक हुई संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव फतह के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हुई तेज। पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज। 15 मार्च तक डोर टू डोर कैंपेन कर नौनिहालों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। और सरकारी मान्यता प्राप्त होने पर शिवराज सेना के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाई खुशी। कहा, गोरखपुर में 5,000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है लक्ष्य।